स्टूडेंट आपके बारे में काफ़ी डिटेल जाने। एक स्टूडेंट का डाउट आया कि उनको जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनको टेस्ट सीरीज में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखो, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं नहीं आ रहे उससे उतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। बेसिकली तुमको अब जैसे तुमने टेस्ट दिया ना, तो उसमें तुमने कौन सा क्वेश्चन गलत किया उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वही है जो तुम्हें लास्ट में डुबा देंगे। और उसके अलावा जो जो क्वेश्चन नहीं कर पाए मतलब जो वो तुम वो समझो इस तरह से तुम्हारा कंटेंट बढ़ा रहे, बस यही है। मार्क्स पे मेरे को लगता है उतना फोकस नहीं करना। आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने जो आंसर निकल के आते हैं और अपनी गलतियाँ कहाँ पर उन गलतियों को मार करो और उन गलतियों में यहाँ तक कि नोट भी कर लो उन गलतियों को कि मैंने ये दिल्ली कहाँ कहाँ पर गलत किया, जिससे दोबारा गलती दोबारा हो सकती है, अपना प्रैक्टिस अच्छा रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन मोर अटेम्प्ट कर पाओगे। आपका टेस्ट सीरीज की बात है तो मैंने टेक्निकल की टेस्ट सीरीज दी थी जो काफ़ी हेल्पफुल रही, बट जीएस के लिए मैंने सच मेडिकल का एक भी टेस्ट नहीं किया। तो उसकी टेस्ट सीरीज जीएस का सिलेबस अभी अनडिफाइंड है एक तरह से, तो उसकी टेस्ट सीरीज के लिए कोई फ़ायदा नहीं होता है। मेरे जीएस में मार्क्स ठीक ठाक थे, 98 पॉइंट समथिंग। मैं कहूँगा कि जीएस की टेस्ट सीरीज दे के ऐसा सच फ़ायदा नहीं है, बच्चा नेगेटिव मतलब डिप्रेशन में चला जाता है। उसको सेल्फ स्टडी और जीएस के लिए करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उधर जाने से बेटर है कि मैथ या बाकी सब्जेक्ट पर फोकस करो। जीएस में सिर्फ ऑप्शन जो एग्जाम में आते हैं उनको क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करो, बिल्कुल उन्हीं में से आंसर निकाल पाती है। क्योंकि हमें पता रहता है कि क्वेश्चन में कुछ आंसर रहते हैं, एलिमिनेट कर पाते ऑप्शन ईजीली हो जाते हैं। जीएस के लिए टेस्ट में प्रीफर नहीं करूँगा किसी को। और इस टाइम पे ये जो टाइम चल रहा है बहुत ही कुशल टाइम, तो आप ऐसा नहीं कि 12-12 घंटे 15-15 घंटे आप जीएस ही पढ़ रहे हैं, तो या जीएस का पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें ध्यान दें कि आप मैक्सिमम 5-4 से 5 घंटे के जीएस के लिए अपनी तैयारी के लिए, बाकी टाइम पर फोकस करें मैक्सिमम। और ऐसा भी कर सकते हो तो अपना डे वाइज सब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हो, जैसे अगर 2-3 सब्जेक्ट डिवाइड कर लिया अपना, तो अगर ग्रुप मैक्स उठा लिया तो एक दो टॉपिक ग्रुप मैक्स कर सकते हैं, तो थ्योरी ऑफ मशीन उठा लिया, तो मशीन डिजाइन उठा लिया, ऐसे कर सकते हो, समय अलग डिवाइड कर लो, डिजाइन अलग डिवाइड कर लो, ऐसे कर भी कर सकते हो एक सब्जेक्ट को कंटिन्यूस। रिविजन के जो मेरे जो प्लान्स थे वो सिंपल थे, जैसे मैंने बताया कि तुम अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो, तुम्हारे पास अभी एक महीने का समय बचा है, तो ना अभी तुम नया कुछ भी मत करो, कुछ भी आप कुछ भी मत करो, मतलब टेस्ट सीरीज में अगर कुछ दिख रहा है तो देख लो, बाकी अपना प्रीवियस ईयर तुम पहले काफ़ी लगा चुके हो, अभी मोस्टली फोकस करो कि तुम जो तुमने पढ़ा है ना, जो तुमने अच्छे से पढ़ा है मतलब जो तुमको ऑलरेडी आता है उसको ना तो छोड़ के मत आना सामने, तो एटलीस्ट वो कवर कर लो जो तुमने पिछले 6-7 महीने में इतनी मेहनत करके पाया। यही है मैं भाई ये बोल रहा है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट बताओ कुछ। अच्छा, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के फोर्थ ईयर में समय है। अच्छा, फोर्थ ईयर में ना देखो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है तो पहली बात है अभी तो प्लेसमेंट सीजन चल रहा होगा, तो तुम प्लेसमेंट पे फोकस करो, साथ ही साथ ना अभी क्योंकि अगर तुमको लगता है इस बार तुम्हारा चांस है, तो अगर तुमने जितना पढ़ा है तो एक महीने में उसको तुम कवर कर लो अच्छे से। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं मुझे नेक्स्ट ईयर अटैम्प्ट देना ही है, तो मैं तो बोलूँगा अभी तुम प्लेसमेंट पर थोड़ा फोकस करो, एक बार प्लेसमेंट निकल जाते क्योंकि प्लेसमेंट दोबारा तो आ जाएगी, तो पहले प्लेसमेंट पर फोकस करो, उसके बाद अगर तुमको लगता है कि नहीं प्लेसमेंट नहीं करनी, तो ध्यान दो कि हाँ नेक्स्ट ईयर मुझे करना है, तो उस हिसाब से अपने नोट्स वगैरह कैसे करेंगे और उसके धीरे धीरे प्रिपरेशन चालू करो, अपना टाइम दिवाए कि अभी से तो तुम्हारा तो एक एज रहेगा कि हाँ मैंने पहले से चालू किया। सिलेबस को जो रिवाइज करना होता है वो कितनी बार रिवाइज करना चाहिए, वो कैसे रिवाइज करना चाहिए, आप पर क्या सजेशन है? सिलेबस का ऐसा रहता है जैसे तुम्हें कोई भी सिलेबस है तुम डिवाइड करो, जैसे थर्मल पार्ट अलग डिवाइड कर लो, डिजाइन पार्ट अलग डिवाइड करो, थर्मल में जैसे तुम पता है थर्मोडायनेमिक से स्टार्ट करो, बेसिक्स थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फिर पावर प्लांट हो गया, आरई सी हो गया, एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करो, ये चीज़ें फार्मूले उन्हीं में रहती हैं, और अपना शॉर्ट नोट्स बना लो हो सके या दीवार पे चिपका लो पढ़ने के लिए जितना हो सके, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाओगे ना फार्मूले अपने आप याद रहेंगे। तुम सोचो फार्मूले रट लेते हैं क्वेश्चन लग हो जाएगा सर, ऐसे नहीं होता, अगर तुम क्वेश्चन लगा के जाओगे ना तो तुम्हें याद रहेगा कि मैं कहाँ पर गलती की, तो फार्मूला भी ट्रैक कर जाएगा।
तो सोचो पाँच सीधा उठाए पाँच मिनट रख लिए हो गया, वो नहीं कर सकते अभी वो तुम करो जब एट द एज जब एग्जाम स्टार्ट आ गया दो तीन दिन बचे फिर तुम कुछ नहीं करने बचे वो थ्रू बस जितने फार्मूले हैं एक बार देख लो रिवाइज कर लो और तुमने जहाँ जहाँ पर गलतियाँ करें उनको एनालाइज कर लो। आपके हिसाब से एग्जाम के दो या तीन दिन पहले क्या करना चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए चीज़ों को रिवाइज करना चाहिए या फिर काम डाउन करना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी एग्ज़ाम भी किसी भी स्टेज पर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू आपको दो दिन तीन दिन पहले काम डाउन रहना चाहिए। बट ऐसा भी नहीं काम डाउन के चक्कर बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं या करो सामने ऑन एन एवरेज थोड़ा काम नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस बार जैसे अपने फ्री का भी देखा है तो फ्री में आप न्यूमेरिकल वेस्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला सिंपल है बट अपन ने अगर बिना कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रखा है तभी वहाँ फ्री में अपने नंबर आ गए। मैंने भी मैंने किया था नंबर कुछ वहाँ पर जो आती है ना उससे बहुत लैंडी होती है उससे प्रीवियस ईयर की दे देती है ऐसे जैसे ब्रेक स्पेसिफिक पता रेंज की आती है 0.3 की रेंज में आता है तो वैल्यू पता रहती है तो वहाँ पर ना क्वेश्चन को आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत लेंदी है अभी इसी ईयर का आया था तुम्हारा उसमें क्वालिटी एयर कंट्रोल में प्लानिंग में क्वेश्चन आया था उसको तुम सॉल्व करने चले जाओगे ना पढ़ते टाइम निकालना तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो पता होता है कि इतने उसे रिलायबिलिटी कितनी परसेंट में आती है उसकी सीरीज और पैरेलल में तो लिख करके निकल जाओगे। जैसे अभी इसमें आया था आई सी जी में क्वेश्चन आया था ऑटो का ऑटो का तो पता है ना तो रेंज पता रहती है तो कुछ रटा होना चाहिए। यहाँ पर यदि इफिशियंसी बात कर रहे हैं ना तो जैसे आप निकालेंगे ना एफिशिएंसी को तो जैसे अपन ऑटो की निकाल रहे हैं और बेटर साइड निकाल रहे हैं तो अपन जो कंप्रेसर रेशियो है जो लेंगे हम उससे एक सारणी बनती है तो आप देखिएगा कि कैसे वो चार्ट बनता है उसमें मतलब एक सीरीज से है कि आप ऑटो का और उसका सीरीज चार्ट कर सकते हैं तो आप ट्राई करिए उसको बनेगा जो प्रेशर रेशियो 6 से लेके स्टार्ट होता है ऑटो का भी आएगा और बेटर साइड का भी आएगा उसको आप देखिए। और मैं ये कहूँगा लास्ट में कि जो प्रेशर की तैयारी है देखो भाई एक चीज़ को करता है कि कभी हाथ बंद कर यदि आपने हाथ बंद कर दिया ना तो एग्जाम में हाथ चलेगा नहीं। रियलिटी में बोल रहा हूँ यदि आप छोड़ देंगे ना प्रेस करना कुछ बोलता कि भाई आप चलो चार दिन से पाँच दिन से रिलैक्स मारो नहीं कुछ नहीं जो आपका पैशन है उसको बनाए रखें लास्ट तक उसी दिन तक बनाए रखें और जो मन करे वो करो लेकिन पढ़ाई बस करो छोड़ना नहीं तो फिर तुम्हारा हाथ काम करना पड़ता है क्या उसको कैसे स्टूडेंट का डाउट है कि फुल नेम में उनके स्कोर नहीं आ रहे कई लोग फुल नेम देना शुरू किया है तो ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ कि फुल नेम में स्कोर नहीं आया और फिर आपने इम्प्रूवमेंट किया है? नेट की टेस्ट सीरीज में ऐसा ही होता था क्योंकि उनका जो टेस्ट सीरीज का पैटर्न रहता था वो बेस लेवल पर रहता था तो मैं सिर्फ एडवाइस दूंगा कि अगर तुम गलत नहीं भी आ रहे ना तो उनको क्वेश्चन को एनालाइज करो कौन सा क्वेश्चन गलत कर रहे हो और उनको सॉल्व करो ट्राई करो एस की अगर गेट की तैयारी कर रहे हो तो एस की टेस्ट सीरीज बेटर है ओके। तो स्टूडेंट का ये डाउट है कि वो सेट देते हैं फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं कि उनके मार्क्स नहीं आते हैं पूरा कम्प्लीट हो गया है उन्होंने क्वेश्चन भी कर लिए प्रीवियस ईयर भी कर लिए लेकिन टेस्ट लेने लेकिन फिर मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो उसको कैसे डील कर रहे हैं? यहाँ मेन प्रॉब्लम लोगों से क्या होता है कि रिविजन का उन्होंने कोई टॉपिक दो महीने पहले पढ़ा होता है उनको लगता है कि हाँ भाई हम तो दो महीने बाद कोई चीज़ रिटेन नहीं रहती है एटलीस्ट एफिशिएंसी कि पहले आप जब आप किस टॉपिक को ख़त्म करते हो तो उसका सवाल 30 से 40 सेकंड का है दो महीने बाद आप बनाओगे तो वो सवाल कम से कम एक मिनट डेढ़ मिनट लेंगे तो एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए रिवीजन सबसे जरूरी है। और नंबर ऑफ रिवीजन आपने पूछा नंबर ऑफ रिवीजन ऐसे कुछ लिमिटेड नहीं है कि दो बार ही रिवाइज करना है चार बार का जब तक आपके पास टाइम है रिवाइज करते रहो 8 बार हो 10 बार जितनी बार बाद में आप रिवाइज करोगे तो काफ़ी कम ड्यूरेशन में आप रिवाइज कर पाते हो तो मैटर करता है आप कितनी बार रिवाइज करो ट्राई भी और तुम ट्राई करोगे एक चीज़ को इंटरकनेक्ट कर पाओ चीज़ों को जैसे थर्मल चीज़ है थर्मल है तो थर्मल को पावर प्लांट से REC से क्योंकि फार्मूले वही रहती है और एक दूसरे को इंटरकनेक्ट कर पाओगे कि चीज़ें रटनी पड़नी ज़्यादा हमें चीज़ें रटना नहीं पड़ेगा और
बहुत ईजीली हो जाएगा, खड्डे बना लो अपने अलग अलग याद करने के तरीके से। कॉलेज स्टूडेंट जो पिछड़े कर रहे हैं वो अभी जैसे उनको क्या मोटिवेशन मिल गया, वो काफ़ी जो कॉलेज स्टूडेंट अभी नई शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं, थर्ड ईयर में तो मुझे तुम्हें सोचना पड़ेगा साले तब तक मैं थर्ड ईयर में आता है, तुमने क्योंकि हमने जो पढ़ना चालू किया था हमने सब पढ़ लिया था, उसके बाद हमें समझ आ रहा था तुम बैठोगे तो क्यों नहीं समझ आ रहा है, इसलिए तुम वेट करो। तो फोर्थ ईयर वाले ना वो प्रिपेयर वो फायदा क्या होता है प्लेसमेंट में, एक तो उसकी प्लेसमेंट का फायदा होता है, तुम पढ़ रहे हो तो प्लेसमेंट का दिखा पाए, दूसरा ना तुम्हारा एक वो भी होता है एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। मैं तो कहूँगा कि अगर फोर्थ ईयर होता तो तुम्हारा प्लेसमेंट का अभी ज़्यादा से ध्यान रखते तुम्हारे ऊपर इसके लिए बहुत समय, हाँ अगर तुम्हारा प्लेसमेंट हो चुका है फिर तो भैया तुम बहुत अच्छे तरीके से लग जाओ। और अभी स्ट्रैटेजी है ना एग्जाम निकाले तो बहुत सिंपल है, क्लास के नोट्स अगर तुम्हारे पास क्लास नोट्स नहीं है तो तुम्हारे जो अपने बनाए हुए नोट्स उसके बाद तुम्हारी टेस्ट सीरीज उसके बाद प्रीवियस ईयर ये तीन कर लो सिलेक्शन हो जाएगा कन्फर्म करो, ज़्यादा तो भागना ही नहीं होगा भैया। इसको जब मैं डेली जब मैं ब्रश करता सुबह तो पहले दीवार पर छान करता पहले कि कहाँ क्या लिखा है पूरा इसके बारे में करता था, तो ये जैसे हम लोग वो याद करते हैं ना तो वैसे याद नहीं होता, तो मैं मैक्सिमम यूज किया कि ये फॉर्मूला यहाँ पर चिपकाया मैंने तो मुझे सुबह जाकर वही देखना है, इस प्रकार से था मेरा पूरा टोटली निकाल उसको छोड़ इसके बाद आगे बढ़ा। काफ़ी सारे स्टूडेंट का जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कि उनको जीएस को प्रिपरेशन करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस हो रही है और लास्ट के 15-20 दिन में भी वो जीएस को कवर कर सकते हैं, अगर जीएस उन्होंने खाली टेक्निकल पढ़ रखा है, अगर टेक्निकल पढ़ रखा है तो 15-20 दिन जीएस के लिए बहुत ज़्यादा है, दो दिन तीन दिन एक अगर उनके पास वो अगर उनका सेटअप प्रोसेसर है उनके पास और अगर नहीं पढ़ रहा हाँ मैं तो ये बोलूँ सेलेक्टिव स्टडी कर लिया अपने को, यहाँ PhD नहीं करना और आप मैथ की कर रहे हो तो मैथ में आप देखो सवाल किस एरिया से पूछा है, कॉम्प्लेक्स नंबर के एरिया से कॉम्प्लेक्स नंबर फोरियर सीरीज ये सब सीरीज का एक्सपेंशन ये सब आप करोगे रेदर दैन कि आप मैथ्स में लगे पड़े हो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हो उधर कर वो सब आप लोग सेलेक्टिव ICT पढ़ रहे हो आप तो क्या पढ़ना है क्या चैप्टर पढ़ना है करंट अफेयर्स से रिलेटेड ICT पढ़ना है बेसिक पता होना चाहिए, रेदर दैन GS इतना टफ नहीं होगा हमें जीएस में मैंने टारगेट IS का दिया था उसमें ना बहुत शॉर्ट नोट थे तो मैंने 10-15 दिन खत्म कर दिया था, फिर मेरे जब मैंने क्वेश्चन उठाए थे प्रोजेक्ट आए थे तो क्वेश्चन आ गए अगर मैं बहुत कम समय होता अगर कर सकते एक बार तुम चेक करो अगर चले अच्छा और मैं जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, देखो ऐसा होता है ना कि दो सब्जेक्ट है टेक्निकल बहुत इंटरेस्टिंग होता है मज़ा आता है और जीएस में मज़ा नहीं आता, तो मेरा जो कहना है ना कि भैया एक साथ तो मत ही भाई भाई तुमको लगे कि हम बैठे हैं 15 दिन में जीएस लेट आ जाओ तुम नहीं निपटा पाओगे तुम सो जाओ तुम बिल्कुल सो जाओ, मेरा कहना ये है कि थोड़ा थोड़ा करो सब सब करो थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे आज हमने एक चैप्टर नहीं आधा ही कर दिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आधा कर दिया कल भी आधा only 6 days to complete just one subject. So, I prefer you to you will study parallel both technical as well as GS. This is my strategy to complete both technical as well as GS.
तो आप सबका थैंक यू कि आपने चैनल को इतना टाइम दिया और काफ़ी सारे सजेशन दिए, तो उसके लिए आपको थैंक यू सो मच और कंग्रेचुलेशन कि आपने अच्छी रैंक ली। आप अब आगे जाके उनके लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको कंग्रेचुलेशन। और उम्मीद करते कि आप देख जल्दी स्टूडेंट्स को अपनी फेसबुक आई डी को राइट करते हैं। जो भी स्टूडेंट टॉपर्स को फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनको खोल के देखिएगा, वहाँ पर हम इनकी फेसबुक आई डी प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पर जाकर आप इनको मैसेज कर सकते हैं और इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपने लाइव सेशन को देखा, और आप सबको भी थैंक यू।